प्यार किया है मैंने और भरोसा किया है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हाँ उन्होंने मेरे साथ ये सब करके और मेरा पैसा वैसा लूट के मजा लेके मुझे छोड़ देगी। देखिए आग बुला के उसको खुश रखने के लिए सोचा। देखिए एक ट्रांसवुमन एक किन्नर जो होते हैं ना अपने पति को खुश रखने के लिए अपना दर्द तक भूल जाते हैं। तो मैंने भी यही किया, अपना सब कुछ भुला के उसको अपनाने के लिए और उसको तो मैंने विश्वास करके उनके ऊपर भरोसा करके मैंने अपना रिलेशनशिप उनके साथ बनाने लगा। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे खासे रिलेशन बना रहे थे। फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद वो लड़का आते हैं आके मुझे बोलते हैं कि आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। तो मैंने मैं आई एम शॉक कि मैं ये इतना बड़ा बात ये बोल रही है तो हम मरवा देगी ये वो कैसे मरवा देगी, मुझे भी जीने का हक है। हर व्यक्ति को जीने का हक है। जी मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, मैं कहीं गलत नहीं कर रही हूँ, गलत मेरे साथ हुआ है, बर्बाद मैं हुई हूँ, खत्म मैं हुई हूँ, मेरे परिवार का बर्बाद हुआ है, उन लोगों का कुछ नहीं है, जैसे लड़का है वैसे ही है, अभी भी माता पिता के पास है शायद। तो मैं यही कहना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ जी को और एसपी साहब को डीएम साहब को जो बलिया जिला का है, प्लीज आप लोग, मैं गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरे एक बार केस को देखिए और लड़का को जितना हो सके उतना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, पकड़ो। तो हमारे साथ ट्रांसजेंडर बारवी खान है और ये आसाम की रहने वाली है। इनके साथ क्या उनसी कैसी घटना हो गई है और ये बहुत ही परेशान है। हम लोगों से मिलने के लिए तमाम तरीके से फ़ोन वगैरह करके इनके पास आया हूँ और बातचीत हुआ था और अब इनकी दुखों को जानने की कोशिश करूँगा। इनके साथ कौन सा ऐसा अन्याय हो गया कि ये परेशान हैं, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और मैं कहूँ तो एक ट्रांसजेंडर हैं और इन्होंने अपना बहुत सारा चीज़ें इन्होंने चेंज करवाया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और अपना परिचय से शुरुआत करिए। जी धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी और मेरा नाम बारवी खान है, मैं आसाम की रहने वाली हूँ, मैं एक ट्रांस महिला हूँ और अभी हाल ही में मैं यूपी बलिया ज़िला में रह रही हूँ। आपके साथ कैसी घटना हो गई, कौन सा क्या दिक्कत है आप लोग को? पूरी स्टोरी बता रही हूँ। 2022 को 25 अक्टूबर को मैं आई थी बलिया ज़िला में एक डांसर के रूप में। भारत बैंड पार्टी पकवाइनर का एक बैंड पार्टी है, वहाँ पे मैं अपना डांस करके जीवन निवास करती हूँ। 2022 को 7 नवंबर को कमतैला में मैं डांस कर रही थी, वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम है निखिल यादव, उनका पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव, वो रसरा का है और पठानपुर का निवासी है। और मैं वहाँ पे आके लड़का मुझे नंबर मांगने लगता है तो मैं अपना नंबर देने के लिए मना करती हूँ, इनकार करती हूँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने लगते तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बखेरा नहीं शुरू करते और उसको नंबर देकर रफा दफा कर देते हैं। तो उनका नंबर दे दिया और उनको रफा दफा कर दिया वहाँ से। तो उनके वहाँ से मुझे मैसेज आया था हाई करके, तो हम लोगों ने टेक्स्ट से लेके वीडियो कॉल से लेके और नॉर्मल कॉल तक हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया, दोस्ती बना लिया। 2022 को 26 नवंबर को मैं मिरनगंज में एक डीजे प्रोग्राम में प्रोग्राम कर रही थी और वहाँ पे लड़का आता है 9:30 के आसपास करीबन और मेरा प्रोग्राम खत्म होता है 11:30-12 के आसपास। तो ठंडी के दिन थी और लड़का मुझे रूम पे छोड़ने के लिए वहाँ पे जिद बनाने लगे, तो मैंने मना करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। और उसके बाद जो लाया था मैंने उस भैया को पूछा था, तो भैया ने बोला आप अगर सही सलामत पहुँच जाएगी तो आप जा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया टेंशन मत लीजिए, मैं जाके आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद मैं चली गई वहाँ से और लड़का मुझे रूम पे छोड़ दिया था और ठंडी की दिन थी और लड़का बोला था कि मुझे आप थोड़ा सा चाय पिला दीजिए और चाय पी के मैं चले जाऊंगी। तो चाय बनाया मैंने, चाय बना के फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि नमकीन निकाल लीजिए, नमकीन है तो मैंने नमकीन निकाला। हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक मुझे सर बहुत भारी भारी लग रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था, फिर इसको दुनिया घूम रही थी। मैंने उनको बताया था तो उन्होंने बोला कि आपको आप शायद थक गए हैं और आप आराम कर लीजिए, तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे बेड पर चला दिया। और मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि उन्होंने मेरे साथ अननेसेसरी सेक्स किया है और मेरे सब गलत कर दिया। तो सुबह तक वो लड़का मेरे पास था और मैंने उनको बोला था कि जहाँ तक मुझे महसूस हुआ सुबह कि और याद भी है, तो मैंने उनको बोला कि आपने मेरे साथ गलत किया, इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ये सब मत करिए, मेरे ज़िंदगी का सवाल है। और मैंने उनको बोला है कि हाँ आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करूँगी। तो उन्होंने बोला है कि ये सब मत करिए, मेरे ज़िंदगी के सवाल है और मैं अपना खानदान का परिवार मिट्टी पे मिल जाएगी, पूरा दुनिया के सामने हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप बहुत खूबसूरत है और कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ निभाना है और कहीं ना कहीं मैं आपको शादी करूँगी, आगे आपके साथ रहूँगी। फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ सोच के उनके ऊपर भरोसा कर लिया था, क्योंकि वो जब बोल रहा था ये बात तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही था। तो मैंने विश्वास करके उनके ऊपर भरोसा करके मैंने अपना रिलेशनशिप उनके साथ बनाने लगा। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे खासे रिलेशन बना रहे थे। फिर उसके बाद क्या हो गया,
कुछ दिनों के बाद वो लड़का आते हैं, आके मुझे बोलते हैं कि आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। तो मैं आई एम शॉक कि मैं ये इतना बड़ा बात ये बोल रही है। तो हम जहाँ था खुश था, जैसे भी थी मैं, जैसे भी मेरा बॉडी पार्ट है बहुत अच्छा था, और कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, और कहीं ना कहीं उसको भी खुश रख रही थी। तो अचानक से आके ये बात बोले तो मैंने बोला दुनिया चौपट हो जाएगी, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, तो आप सोच लीजिए मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कर लीजिए ना, क्या बात करें बाबू, कर लीजिए, ऐसे बोले तो बहुत दबाव बना रही थी। तो मैंने बोला पूरा खानदान नहीं मानेंगे, पूरा परिवार मेरे हाथ से चले जाएगी और मेरे माँ बाप का इज्जत चले जाएगी। तो बोला कि अगर आप अपना खानदान खो रहे तो मैं अपना परिवार दे रही हूँ, अगर मेरे परिवार नहीं मानेंगे तो आपको लेके मैं बाहर रह लूँगी, कहीं ना कहीं हम अपना एक दुनिया बचाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, देखिए मैं बच्चा भी नहीं दे पाऊंगी आपको, आप ये भी देख लीजिए। बोले कोई बात नहीं, जो लेडीज़ लोग बच्चा नहीं होते उन लोगों में आपको पकड़ लेंगे और हम कहीं ना कहीं एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। कितने दिनों तक उसके साथ थी, क्या नाम था उसका? निखिल यादव है और उनका पिताजी का नाम हंसनाथ यादव है और वो रसरा का प्रधानपुर का निवासी है। मैंने 9 महीने उनके साथ रिलेशन में रहा है। 9 महीने एक बैग अगर वो आपके पास कॉल करता है या मैसेज करता है, नंबर मांगता है, तो इतना विश्वास कैसे जमा लिया आप उसके साथ? देखिए इस तरीके से वो लड़का है मेरे साथ धोखा कर देगा, इस तरीके से मेरे साथ करके मुझे यूज करके छोड़ देगा, कैसे विश्वास कर लिया? देखिए प्यार किया है मैंने और भरोसा किया है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उन्होंने मेरे साथ ये सब करके और मेरा पैसा वैसा लूट के मजा लेके मुझे छोड़ देगी। देखिए अगर पता होता तो कहीं ना कहीं मैं आगे ही नहीं बढ़ती, इतना अपने लाइफ को मैं सेक्रीफाइस नहीं करती, क्योंकि देखिए आज मुझे भी पता था कि आपके साथ 9 महीने तक हर वो काम करता रहा जो एक पति और पत्नी के साथ। जी बिल्कुल हाँ। फिर ऑपरेशन हम लोगों ने, मैंने ऑपरेशन करा लिया 16 मार्च को 2023 को दिल्ली में एक मेपल केयर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हो गया। ऑपरेशन करने के आने के बाद 20 दिन के बाद उन्होंने मेरा मांग भर दिया। फिर उसका मांग भरने के बाद फिर उसने मेरे को फिर से दबाव बनाने लगा, एक लास्ट ऑपरेशन है उनको करने के लिए। तो मैंने मना करने के बावजूद उन्होंने बोला, उन्होंने फिर से दबाव बनाने लगा आप एक बार पूछ लीजिए। तो मैंने पूछा था डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला 6 महीने और साल भर नहीं हो जाते तब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगी, नहीं तो आप मर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना इतना विश्वास कर लिया उस लड़के पर कि आपने एक जेंडर ही चेंज करा लिया, समझ लीजिए, और उसके बाद भी आपको छोड़ दिया। तो उसके घर वाले से आपने बात किया कि फिर कैसे क्या हुआ? देखिए घर वालों से मैंने कभी बात नहीं किया, उनके छोटे वाले भाई है उनसे मैंने बात किया है, वीडियो कॉलिंग हो या नॉर्मल कॉल पे हो, कभी भी मतलब बात किया है। जिस लड़के से आपको प्यार हुआ था क्या उसका शादी वगैरह हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ है। नहीं, नहीं। तो फिर आपको कैसे छोड़ दिया, क्या कौन सा मजबूरी आया, क्या बातचीत हुआ? देखिए मैंने जहाँ तक उनको खुश रखने के लिए बात है या जहाँ तक उसको सेटिस्फाइड करने के लिए बात है मैंने सब कुछ किया। ऑपरेशन होने के बाद 11 दिन हम लोगों ने रिलेशन बनाया, जहाँ तक मेरा बॉडी उस समय ठीक नहीं थी तभी भी मैंने उनको रिलेशन बनाने दिया। और मुझे इतना पेनफुल हो रहे थे उस समय, मैं इतना डर में थी तभी भी मैंने अपना सब कुछ भुला के उसको खुश रखने के लिए सोचा। देखिए एक ट्रांसवुमन, एक किन्नर जो होते हैं ना, अपने पति को खुश रखने के लिए अपना दर्द तक भूल जाते हैं। तो मैंने भी यही किया, अपना सब कुछ भुला के उसको अपनाने के लिए और उसको खुश रखने के लिए मैंने सब कुछ किया है। जी तो फिर आप इस चीज उसके साथ, अगर मान लीजिए उसके साथ रहना चाह रही हैं, क्या मतलब कि उसके उसके उसको छोड़ के आप जाना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं आप? मैं अभी हाल ही में जब उन्होंने मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर दिया था, मैंने पैसा मांगने लगा उनके ऊपर, मैंने पैसा खर्चा किया था 4,10,000 रुपया उनको, मैं जब उनसे मांगने लगा तो उन्होंने मेरा माँ बहन का गाली दिया, मुझे मारने की धमकी देने लगा। जी उस समय शिकायत कहीं की आपने? जी 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 मैंने FIR दर्ज कर दिया उन लोगों के वहाँ से, अभी मारने की बहुत तरीके का धमकी आ रही है, पैसा ऑफर करे मैं ठुकरा रही, तो वो सब लोग मतलब रूम पे आ रहे, कोई ना कोई उनकी तरफ से आ रहे, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि पैसा ले लो नहीं तो तुमको मरवा देगी, तो तुम क्या करोगी, तुम मर जाओगी तो तुम्हारा सुनवाई कैसी होगी, ये वो बहुत फलाना धीमा का बहुत। कौन कह रहा कि मर जाओगी, सुनवाई कौन करेगा, पैसा देने, उनकी तरफ से कोई ना कोई आ रही है, क्योंकि अगर वो लोग सामने नहीं आ रहे घर कर रहे हैं। जी 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 मेरे पास सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है। जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैंने पैसे के लिए इनकार कर दिया, तो उन्होंने उन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई रास्ते पे मिल जाती है, तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ, ऐसे वाले लोग मुझे पहचानती है अभी, तो मुझे रुकवा के बोलते तुम वही हो ना जो निखिल के साथ मतलब FIR चल रही है ये वो, तो हम लोगों ने सुना है पैसा दे रहे तो पैसा ले लो। एक दिन मेरे पास बोले 4-व्हीलर लेके
इतने लोग आए थे, मतलब बता नहीं सकते, मैं अकेले आ रही थी रास्ते पे, पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं है। तो एक दो इंसान फोर व्हीलर से उतर के आके मुझे बोल रहे कि आप वही है ना बारबी खान। मैंने बोला हाँ जी, आप कौन? बोल रहे कि निखिल के घर वालों के वहाँ से पैसा दे रहे, आप क्यों नहीं ले रहे? तो मैंने बोला कि मेरा जिंदगी ऐसे पड़ा हुआ है, मैं अच्छी खासी हूँ, मैं मेरा कोई टांग टूटा वाला नहीं है, मैं अफाहिश नहीं हूँ, मैं कमा सकती हूँ, पैसा मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या चाहते हो? मैंने बोला कि उसको जेल में डालना चाहती हूँ और कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे, और हम आगे का मतलब उसके साथ मैं लड़ाई करूंगी। तो बोले ये करके क्या मिलेगा, पैसा दे रहे, पैसा लेके रफा दफा हो जाओ ना यहाँ से, क्यों यहाँ पे ये सब कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तुमको मरवा देगी ये वो। कैसे मरवा देगी, मुझे भी जीने का हक है, हर व्यक्ति को जीने का हक है। जी, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, मैं कहीं गलत नहीं कर रही हूँ, गलत मेरे साथ हुआ है, बर्बाद मैं हुई हूँ, खत्म मैं हुई हूँ, मेरे परिवार का बर्बाद हुआ है, उन लोगों का कुछ नहीं है, जैसे लड़का है वैसे ही है, अभी भी माता पिता के पास है, शायद कहीं ना कहीं वो भी मेरे अगेंस्ट अभी भी हो गया है, लड़का भी मेरे अगेंस्ट हो गया है, तो अभी कहीं ना कहीं मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अकेले एक इंसान कितना करे, डर डर की ठोकर खा रही हो, फिर उसके बाद मारने का धमकी, मतलब मेंटली इतना टॉर्चर करा जा रहा है मुझे, इतना ज्यादा मैं फिजिकली टॉर्चर हो रही हूँ, ना मैं सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना कहीं जा पा रही हूँ। अगर मान लीजिए उस लड़का आपको आपको नहीं रखना चाह रहा है और आप भी उसको नहीं रखना चाह रही हैं, तो फिर सुलह वगैरह का कैसे क्या है? नहीं, सुलह तो मैं करूंगी नहीं, देखिए रखने और ना रखने का उन लोगों का बात है, ठीक है, अगर वो लोग रखेगी तो अगर मुझे अगर लगेगी कि हाँ जाना चाहिए, तो मैं पुलिस प्रशासन की और न्यायालय की, अगर न्यायालय ये दायित्व लेता है, देखिए आज मेरे को तरह तरह का धमकी आ रही है, कल मुझे लेके जाके मार भी सकता है, खत्म भी कर देगी, तभी भी वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के बोल देगी कि ये वो कुछ भी हो गया है। तो अगर न्यायालय और पुलिस प्रशासन ये दायित्व लेगी कि अगर मुझे कल जाके आगे जाके मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसका दायित्व, इसका मतलब जो भी दोषी होगा वही उसके घर परिवार होगी, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, उसके साथ मैं लड़ूंगी। अब उसके साथ नहीं जाना है, और ये बारहवीं खान है, देख सकते हैं इनके साथ, मैं कहूँ तो निखिल यादव जी 9 महीने तक संबंध रखे और 9 महीने तक इनके साथ हर वो काम किए जो एक पति और पत्नी करते हैं, है कि नहीं, और इनको अपने बातों में भरमाकर किस तरीके से, और ये उसके ऊपर किस कैसे, मतलब मैं कहूँ तो विश्वास कर लिया, और ये विश्वास पे 9 महीने तक इन लोगों का प्यार चलता रहा, बीच में इन लोगों में दूरियाँ होती है और दूरियाँ इतनी बढ़ जाती है कि ये उनके खिलाफ FIR करती हैं पुलिस थाने में, और अब पुलिस थाने में FIR कर दी है, थोड़ा जान लेते हैं कार्रवाई क्या हुआ। देखिए थाने पे मुझे मैंने FIR नहीं किया है, क्योंकि थाने से मुझे डरा धमका के भगा दिया था पुलिस, धमका के भगा दिया जी पुलिस पर, उसके अपर अधिकारी हैं जो SSP हैं, DM साहब हैं, उनके पास गई थी? नहीं, मैं न्यायालय पे गया था, वहाँ पे दरवाजा खटखटा है और वहाँ से मुझे मदद मिल रही है। अभी हाल ही में उनके ऊपर FIR हो गया, कई तरह का धारा भी लग गए है, और 1.5 महीना हो गया, लड़का अभी तक पकड़ के पुलिस प्रशासन पकड़ा भी नहीं है। मैं पूछती हूँ तो पूछताछ करती हूँ तो बोलता है कि कहीं ना कहीं हम पकड़ लेंगे, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। कब तक, मैं पुलिस प्रशासन को पूछना चाहती हूँ, कब तक आप लोग पकड़ेंगे, कब तक वो सिलेंडर हो अपने आप को सिलेंडर करेगी, आपके हवाले करेगी? आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ काम नहीं है जो नहीं कर सकते, लेकिन कर नहीं रहे, लापरवाही कर रहे मेरे खिलाफ। तो मैं यही कहना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ जी को और SP साहब को, DM साहब को, जो बलिया जिला का है, प्लीज आप लोग, मैं गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के, आप लोग मेरे एक बार केस को देखिए और लड़का को जितना हो सके उतना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, पकड़वाइए और मेरे आगे का कार्रवाई शुरू करवाइए। अब मैं बात करूं एक सामान्य महिला और एक किन्नर में क्या फर्क होता है? फर्क यही होता है कि किन्नर बच्चा नहीं दे पाएंगे और जो महीने का जो पीरियड होते हैं वो नहीं होते, बाकी महिला ही है। महिला ही जी, मतलब हर चीज जो फीलिंग आती है जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे देखिए एक महिला जैसे, और जैसे एक औरत अपने परिवार को बसा के अपना घर बसाते हैं और अपना घर संभालते हैं, कहीं ना कहीं वो जुनून हम पे भी है, लेकिन लोग, दुनिया वाले, समाज वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करते, हमको घर में नहीं रखना चाहते। आप अगर घर पे रख के देखिए, किन्नर समाज को हो या ट्रांस वुमन को हो, कहीं गलत नहीं है, हम भी एक इंसान है, हमारे अंदर भी दिल है, वो फीलिंग है, हम किसी को खुश रख सकते हैं, हम किसी के घर में जाके हम घर अपना घर बसा सकते हैं, अपना परिवार संभाल सकते हैं। हाँ, बात ये है, कमी यही है कि बच्चा नहीं दे पाएंगे, वंश नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, कमी इसी में हमको ठुकराया जाता है। शायद हो सकता है इसी वजह से आपका साथ हो छोड़ दिया। ये सब कुछ पता ही है, तभी भी वो मतलब घर को जब पता चल गया उसके घर परिवार को, शायद उसके घर परिवार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया होगा या उसके ऊपर दबाव बनाने लगा होगा, तो इसलिए शायद लड़का डर के मारे मुझे छोड़ दिया है। और जब से सोरा भी है तब से अभी तक कॉल नहीं आया। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी उसने मेरे साथ प्यार किया, शायद वो उसको पैसों की और जिस्म की वो हवस था, तो इसीलिए मतलब
आप कमाती थी जी और पैसे भी देती थी जी। मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, आप पैसे कहाँ से लाती थी, मतलब क्या करके? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मैंने अपना काम किया है 9 साल। एक मेकअप आर्टिस्ट थी मैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अभी भी हूँ, मेरा हाथ में वो कला है। मैं एक डांसर भी हूँ, मैं अपना कला बेच के खाती हूँ। कहीं ना कहीं जितना भी मिलती थी मैं खुश थी अपने ज़िंदगी में, और बहुत हद तक मैं सही भी थी, लड़का भी सही था, मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आया था, बहुत इज्जत भी करते थे, ख्याल भी रखता था। पता नहीं क्या हो गया उसके मन में, क्या है मुझे जहाँ तक ये पता है कि देखिए, प्यार तो कर रहे, लेकिन निभाने का भी वो जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक इंसान को प्यार का यूज़ कर लिया, सब कुछ खा पी के उसको ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और मैं आसानी से चले जाऊँगी। शुरुआत किसकी तरफ से हुआ था? उनके तरफ से जी। मैंने कभी भी छोड़ने के लिए सोचा भी नहीं था। अगर वो साथ निभाने के लिए, अगर जिंदगी भर साथ निभाने के लिए कोशिश भी करती, तो मैं जिंदगी भर उसको साथ निभाने के, मतलब साथ रहती और कहीं ना कहीं मैं उसको खुश भी रखती। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा ही हो गया। मैं यहाँ पे कमाने के लिए आई थी और हाल ही में मैं खुद बेच गई हूँ, खत्म मेरी जिंदगी हो गया है। देख सकते हैं यह बारहवीं खान है और इनके साथ तमाम तरीके से मैं कहूँ तो इनके साथ न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, और इनके ही समाज के तमाम ऐसे राजनीति संगठनों में लोग हैं जो ट्रांसजेंडरों को, मैं कहूँ तो इन जैसे लोगों को न्याय की बात करती हैं और लड़ती हैं। और इनसे निवेदन है, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे संगठनों पर जाएँ और आप उनसे भी मिलिए, क्योंकि हो सकता है आपको न्याय मिल जाए। क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ट्रांस वुमन और किन्नर जो समाज होते हैं एक बहुत अलग होते हैं। किन्नर समाज यही चाहते हैं कि ट्रांस वुमन को हम अपने मतलब जो बिरादरी होते हैं उनमें लाए, जो तो ट्रांस वुमन का मन होता है कि हम नहीं जाए, किसी से भीख ना मांगे। आप उन जैसे लोगों को नहीं है, मतलब ट्रेनों में पैसे मांग कर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, रोडों पे मांग कर, किसी को प्रताड़ित करके मांग लेना पैसा, ऐसा आप लोग नहीं करते हैं? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मैं किसी के बारे में मैं जज नहीं करना चाहूँगी और ना बोलना चाहूँगी। मैं अपने आप को वो नहीं मानती हूँ जो मतलब ट्रेन में जाके भीख मांगना, किसी के घर में जाके भीख मांगना या टोल गेट में जाके भीख मांगना, ये मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नहीं जाना चाहूँगी। देखिए, किन्नर समाज क्या करे तो क्या करे, है ना, कहीं ना कहीं उनको जॉब भी नहीं मिल रही है। अगर रोड पर जाके खड़ा होकर किसी अगर दो पैसा भीख मांग रहे, अगर घर पे जाके कुछ, आप जैसे ही हर किन्नर कुछ न कुछ कला सीख ले, कुछ न कुछ सीख ले, उसके अंदर स्किल आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो जॉब उसको मिल जाएगा। वो लोग सीखती नहीं है। देखिए, एक ट्रांस वुमन ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी हो, एक किन्नर ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी हो तब जाके जॉब मिलेगी। आप कुछ करिए, सीखिए। एक ट्रांस वुमन, एक किन्नर ट्रेलर तो बन सकते हैं ना, कपड़ा सिलाई कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, उसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका हाथ का एक कला होना चाहिए। देखिए, एक पेंटर भी बन सकती है ना, सब कुछ कर सकते हैं, बस मन को आगे बढ़ाइए। लेकिन बढ़ाते नहीं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं उसमें जाके पैसे के हबस में आके मैं ये सब करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना एक पहचान बनाऊँ। एक अगर ट्रांस वुमन एक इंटरनेशनल मॉडल बन सकती है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है या डिजाइनर बन सकती है, तो मैं भी अपने आप को उसी में देखूंगी कि मुझे लोग किन्नर ना बोले, एक ट्रांस महिला बोले, कि मेरे कला को देख के, मेरी जो मतलब मेरा जो गुण है उसको देख के लोग पहचाने। ये नहीं कि हाँ वो देखो किन्नर जा रही है, वो हिजड़ा जा रही है, ये मुझे नहीं सुनना है। मुझे ये सुनना है कि देखो वो बारहवीं खान जा रही है, ये ऐसा ऐसा है, उनके पास कला है। खान अपने आप को क्या मानती है, किन्नर मानती है कि एक महिला मानती है? देखिए, महिला भी महिला कह सकते हैं, लेकिन ट्रांस वुमन का मतलब भी हो गया किन्नर, तो अपने आप को मैं किन्नर भी बोलूंगी या ट्रांस महिला बोलूंगी या कुछ भी कहलाइए, लेकिन हाँ महिला ही बोलूंगी सबसे ज्यादा। क्या सोच आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे यही है, इस सबसे निकल के मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहूंगी और अपने लाइफ को एक पहचान दिलाऊंगी कि तो हमारे साथ ये बारहवीं खान है और अपने दुखों को लेकर ये दर दर भटक रही हैं, और उम्मीद करते हैं बलिया के पुलिस प्रशासन से और इनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए। और जो ये चाहती हैं, इनके बातों में कितनी सच्चाई है, हो सकता है यह उस लड़के को फंसा रही हैं, और जो हकीकत है उसको जांच करके, उसको मुआयना करके पहले देखिए किसकी गलती है, उसके बाद कार्रवाई करिए और इनके साथ हो रहे अन्याय को न्याय दिलाइए। बस यही मैं गुजारिश करूंगा बलिया यहाँ के पुलिस प्रशासन से। जय हिंद, जय भारत।